ये वीडियो मैं एसएससी सीजीएल के लिए बना रही हूँ। टॉपिक जो है वो परसेंटेज है। इस वीडियो में सिर्फ ट्रिक्स हैं, तो ये छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जिनमें ट्रिक्स के ऊपर मैंने काम किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका एक टॉपिक आता है प्रतिशत का। प्रतिशत अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें बहुत तरह के सवाल आते रहते हैं। अगर सवालों के मैथमेटिकल कंसेप्ट पे जाएं तो वो सवाल बहुत लंबी तरीके से सॉल्व होता है, लेकिन मैंने कोशिश करी है एसएससी सीजीएल में ट्रिक्स को अपनाने की। तो आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास पहला सवाल इस तरह से आता है कि यदि चीनी का दाम 10% बढ़ जाए तो हम कितना प्रतिशत खपत कम करें कि व्यापार कोई असर ना पड़े। मान लीजिए चीनी पहले 100 रुपए किलो मिलती थी, अब उसका दाम 10% बढ़ गया, यानी अब वो 110 रुपए किलो हो गई। तो हम जितनी चीनी खरीदते थे उसमें से कुछ कम चीनी खरीदेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ 100 ही रुपए खर्च करने हैं। तो इसमें हम अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करें, इस तरह का जब सवाल हो तो आप उसको करने के लिए क्या करिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखा है, बढ़ जाए, जहाँ पर आपका प्रतिशत है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, आप इसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका जो प्रतिशत है आप उसको हल कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/10, क्लियर। इसके बाद आप इन दोनों गिनतियों को जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या आ गया, 11, ठीक। अब आप क्या करिए, ये जो एक है ऊपर वाला, 1/11 लिखिए, गुणे 100 कर लीजिए, बस यही आपका जवाब है। अब आप इसको हल कर लीजिए, 11 × 9 = 99, 1/11 प्रतिशत, ये बस सवाल खत्म हो गया। अगर यहीं पर हम आपको इस तरह से सवाल दें कि यदि चीनी का दाम 10% कम हो जाए, तो हम कितना प्रतिशत अधिक खरीद पाएंगे, हम कितना प्रतिशत अधिक चीनी खरीद पाएंगे कि व्यय उतना ही रहे, कि यानी 100 ही रुपए हमको खर्च करने पड़ेंगे, यानी उस 100 रुपए में हम कितनी ज्यादा चीनी और खरीद सकते हैं अगर चीनी का दाम कम हो जाए। क्योंकि बस आपको यहां से देखना है, अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, दाम कम हो रहा है, तो आप फिर से वही निकालिए 10/100, तो ये आपका क्या आ गया, 1/10। अब आप इन दोनों को घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कम हो जाए, तो आप और कुछ मत देखिए, बस यहाँ क्या लिखा है, कम हो जाए। आपने इन दोनों को घटा लिया तो आपका कितना आ गया, 9, 10 में से आपने 1 घटा दिया, आपका कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब आप इसको बस कैसे निकालेंगे, 1/9 × 100%, ये आपका आ जाएगा 9 × 1 = 10, 9 × 1 = 10, 1/9%। तो इस तरीके से ये ट्रिक है, इसको मैं अगर अल्फाबेटिकल रूप देखिए, अब सवाल है चीनी की कीमत को 20% यदि बढ़ाया जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना हो। यानी किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है कि हम उतने में दाम में उतना ही किलो सामान खरीदें, तो हम कुछ कम किलो सामान खरीदेंगे। तो इस तरह के सवाल हम कैसे करेंगे, इसके 2 मेथड मैं बता रही हूँ, आपको जो समझ में आए आप उसको अपने दिमाग में बिठाइए। बस आपको सवाल में ये देखना है कि जहाँ आपका पहली लाइन आ रही है चीनी की कीमत को 20% बढ़ाया जाए, बढ़ाया अगर लिखा है यानी ऐड हो रहा है, तो ये आपको प्लस करना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है कि आप प्रतिशत को ऊपर लिखिए,
नीचे आप 100 में उस प्रतिशत को जोड़ दीजिए और गुणे 100, बस खत्म। यानी आपने किया क्या, 20/120 और गुणे 100, उसके बाद आप इसको हल कर लीजिए, ये 6 12 हो गया, ये 50 हो गया, ये 3 हो गया, यानी आपका हो गया 50/3%। दूसरा तरीका जो है इसी सवाल को करने का, वो देखिए आप कैसे कर सकते हैं अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो। ठीक है, दूसरे सवाल में क्या है कि आप पहला काम करिए, ये जो आपको प्रतिशत दिया है इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, यानी भिन्न में। तो ये हो जाएगा 2/10, यानी हो गया 1/5। ठीक, आप ये आपका है बढ़ाया जाए, यानी आपको जोड़ना है, तो आपने इन दोनों गिनतियों को क्या किया, जोड़ लिया, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, बस आपने जो ऊपर वाली गिनती 1 है वो लिखी और ये नीचे वाला 6 लिखा, गुणे 100 कर दिया, आपका उत्तर आ गया फिर से वही। तो आपको इन दोनों मेथड में जो मेथड आसान लगे आप उसको याद कर लीजिए, लेकिन मुख्य बात क्या है कि आपको ये याद रखना है कि 20% के बाद यहाँ आपको देखना है कि बढ़ाया जाए। बढ़ाया मतलब कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसको जोड़ देते हैं। अब हम दूसरी तरीके का सवाल ले लेंगे, वो भी प्रतिशत की ट्रिक पर है। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए, इसी पैटर्न में चीनी की कीमत में यदि 20% की कमी हो जाए, तो यानी अब यहाँ पर चीनी का दाम हमारा 20% कम हो रहा है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च पहले के बराबर बना रहे। यानी देखिए दाम कम हो रहा है तो हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे, खपत में वृद्धि हो रही है तो हमें खपत की वृद्धि निकालनी है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप पहली वाली लाइन पर ही जाइए कि कीमत में अब देखिए क्या हो रही है, कमी। कीमत में क्या हो रही है, कमी। कमी मतलब आपको माइनस करना। ठीक है, तो फिर मेरे दोनों पैटर्न देख लीजिए, मैं पहला पैटर्न अब की बार दूसरा वाला पहले से खा रही हूँ जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें, कि जैसे आपका 20% लिखा है। ठीक है, तो आपने इसको किया तो आपका आ गया 2/10, यानी आपका आ गया 1/5। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है कमी, मैंने आपको बताया कमी में आपको घटाना है, तो आप इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, बस अब आप ऊपर वाला गिनती ऊपर रखिए, 1/4 × 100। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, 25%, यही आपका जवाब है। क्लियर, और अगर डायरेक्ट परसेंटेज से करना है तो आप देख लीजिए, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, यहाँ पर आपको इन दोनों को घटाना है। मैं इसको और साफ साफ लिख देती हूँ, देखिए इसमें दूसरा स्टेप आ जाएगा कि आपने दोनों को घटाना है, तो आपका जो आंसर आया वो ये हो गया। ठीक, तीसरा स्टेप देखिए, जो ऊपर वाला अंश है वो ऊपर लिखिएगा और जो घटा कर आ रहा है ये 4, ये आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, गुणे 100, यानी 1/4। यहाँ गिनती से मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट से मतलब है कि आप इसको हर सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। चलिए दूसरे मेथड पे आ जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अब आप वो भी बहुत आसानी से अपने आप ही कर लेंगे। तो बस क्या करना है, ये 20 ऊपर लिखना है, 100 में से 20 को घटा देना है, उसके बाद आपको गुणे 100 करना है। ठीक है, देखिए आप इसको हल कीजिए, देखिए आपका क्या आता है, ये 20 हो गया, ये 80 हो गया और ये 100 हो गया, ये 0 आपका कट गया, 4 5 20, 4 2 8, 2 5 10, ये देखिए 25% आ गया, वही जवाब आ गया ना। ठीक है, अब मैं इसी पे, इसको वीडियो को मत छोड़िए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और लेने जा रही हूँ, देखिएगा ज़रूर। देखिए इसी कमी और बढ़त के ऊपर सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कभी कभी, थोड़ा सा और उसमें बातों को डाल देते हैं, तो उस तरीके से वो सवाल किस तरह से आता है इम्तिहान में और उसको हम किस तरह करेंगे। सवाल पढ़िए आप मेरे साथ, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, यानी चीनी जिस दाम में बिक रही थी अब उससे कम दाम में बिकने लगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 160 रुपये में पहले कुछ खरीदता था, 160 रुपये में वो 8 किलो चीनी अधिक खरीद लाता है, तो कीमत घटने के पहले चीनी का दाम क्या था, यानी जब कीमत नहीं घटी थी तब चीनी कितने रुपए किलो थी, तो ये हमको निकालना है। तो इसको हम फिर से उसी मेथड को फॉलो करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि आपका जो प्रतिशत है आप उसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा
1/5, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जो आपका ये भिन्न आया आप इन दोनों को घटा लीजिए तो आपका कितना जवाब आ गया, 4। ठीक, तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपका ये जो घटाने पर आया है और आप जितना किलो सामान खरीद रहे हैं, रुपए वाला नहीं, जितना किलो सामान खरीद रहे हैं उसको आप उससे गुणा कर दीजिए तो आपका कितना आ गया, 32। ठीक, फिर अब आपको कीमत घटने के पहले चीनी का दाम निकालना है, यानी पहले वाला चीनी का दाम क्या होगा जब कीमत घटी नहीं थी। तो आपका यहां पर ये जो रुपए दिया हुआ है आप इस रुपए को ये जो आपका गुणा करके आया है उससे भाग कर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, काटिए आप इसको, 4 × 4 = 16, 0 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, यानी चीनी क्या है साहब थी, 5 रुपए किलो। तो इस तरीके से होगा, यानी फिर से समझिए, प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना है और यहाँ पर जैसा कमी लिखा है, कमी मतलब घटाना, मैंने पहले भी बताया, तो आपने उन दोनों को घटा दिया। ठीक, अब यहाँ से सवाल एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पर आपने जितना सामान अधिक खरीदा है उसको उस घटे वाले दाम से गुणा करना है, ठीक है, और जितने रुपए में खरीदना है जब आप उससे उसको भाग करेंगे तो आपको उसका प्रारंभिक दाम, कीमत पर असर पड़ने के पहले, चाहे वो बड़ी कीमत हो चाहे घटी कीमत हो, वो निकल करके आएगा। अब इसी पैटर्न पर हम दूसरा सवाल देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी प्रतिशत वाला जो मैंने पैटर्न और ट्रिक बताया है, इसी पर इस तरह का सवाल भी लागू होता है जो आपके स्क्रीन पर है, कि यदि राम का वेतन मीना से 20% कम है, दो बंदे हैं राम और मीना, राम का जो सैलरी है, वेतन है, वो मीना से वो 20% कम पाता है। यहाँ हमें निकालना है कि मीना का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक होगा। तो इन सवालों पर भी वही लगता है नियम जो मैंने ट्रिक बताई है। तो यहाँ बस आपको क्या देखना है, 20% कम, कम माने आपको क्या करना है, माइनस, यानी आपने क्या किया, 20/100 निकाला, ये आपका क्या हो गया, 1/5, आपने इन दोनों को घटा लिया तो आपका कितना आ गया, 4। आपने इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, आपका कितना आ गया, 4। फिर आप लिखिए 1/4 × 100, ये आपका कितना आ जाएगा, 25%। तो मीना का वेतन राम से 25% अधिक है। ठीक, अब इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर सवाल पलट जाए कि राम का वेतन मीना से 20% अधिक है, ठीक है, तब मीना का वेतन राम के वेतन से कितना कम होगा। मान लीजिए इसी तरह से पलट गया, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये वेतन वाले सवालों पर भी लागू होती है। तो बस आपको क्या देखना है कि 20% अधिक, ऊपर वाला चीज देखिए, तो अधिक में आपको क्या करना था, जोड़ना था, आप ऐसे ही फ्रैक्शन निकालिए और उसके बाद आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 6। और आपका ये कैसे आंसर आएगा, 1/6 × 100। ठीक है, बस आपका सवाल खत्म। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह का कोई भी सवाल आपकी किताब में होगा, टेस्ट पेपर्स में होगा, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और मैं अगले वीडियो में कुछ अगली ट्रिक्स लेकर आऊँगी। अगर आपको समझ में आती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा। थैंक यू।